तो यहाँ पे साथियों देखिएगा, एटम को सबसे पहले भारतीय तथा यूनानी दार्शनिकों द्वारा लगभग 400 ईसा पूर्व में एटम को इस प्रकार से प्रस्तावित करने का प्रयास किया गया था। अर्थात मैं एक शब्द में बोलूं तो भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों का लगभग 400 ईसा पूर्व उनका विचार था, उनका मानना था कि जो एटम होता है किसी भी मैटर का क्या है, मेन स्ट्रक्चरल यूनिट या पार्ट है। अगर हिंदी में बात करें तो देखिए, जो परमाणु है किसी भी द्रव्य का या पदार्थ का मूल संरचनात्मक इकाई है। इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में, मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल इनका जो सिद्धांत था, ठीक है, रीजन में आपको अभी बताऊंगा, लेकिन क्रमिक से हमको समझना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, एटम को सबसे पहले भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों द्वारा डिफाइन किया गया था कि जो एटम होता है किसी भी मैटर का क्या है, मेन स्ट्रक्चरल यूनिट या पार्ट है। और इन्होंने बताया कि जो मैटर टूटता है ना, यानी मैटर के स्वतः विभाजन से एटम प्राप्त होता है, ठीक है। एटम जो है ग्रीक वर्ड के एटोमियों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, विच इज मीनिंग, जिसका अर्थ होता है अनकटेबल या नॉन डिविजिबल्स। अनकटेबल का मतलब जिसे काटा ना जा सके। देखिए, अभी तक हिस्ट्री ये बता रही है कि जो एटम है किसी भी मैटर का मूल संरचनात्मक इकाई है, जिसको और पार्ट में, जिसको और हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे एटम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मॉडर्न में क्या हो रहा है, रियलिटी में एटम क्या होता है, इसकी चर्चा मैं अभी जस्ट कर रहा हूँ। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों का कहना था कि जो एटम्स होता है किसी भी मैटर का मूल संरचनात्मक इकाई है, मतलब कि क्या है, जिसको या जिसे और पार्ट में न काट सके या न काटा जा सके, इसीलिए उन्होंने बताया था कि जो एटम है इसका ग्रीक वर्ड एटोमिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अनकटेबल, काटा न जा सके, नॉन डिविजिबल, जिसको तोड़ा ना जा सके, ठीक है, काटा न जा सके। यह जो सिद्धांत था ना, यह जो हाइपोथेटिकल संकल्पनात्मक जो विचार था ना, कई वर्षों तक इसी प्रकार से चलता रहा। क्यों? क्योंकि उस समय लगभग 400 ईसा पूर्व की बात हो रही है, उस समय प्रायोगिक सर्वेक्षण अनुपलब्ध होने के कारण, प्रायोगिक मतलब समय ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको कोई न कोई सिस्टम चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताइए। एक्सपेरिमेंट यानी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन उस समय नहीं था, ठीक है, इसलिए लोगों का केवल विचार था, ठीक है। उसके बाद 18वीं शताब्दी में बहुत से वैज्ञानिक इस एटम पर विचार करना प्रारंभ कर दिए, बल देना प्रारंभ कर दिए, शुरुआत कर दिए, ठीक है, इसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिए बहुत सारे वैज्ञानिक। और देखिए, मॉडर्न में जैसे 18वीं शताब्दी में बहुत सारे वैज्ञानिक एटम पे विचार करना शुरू कर दिए, उसी में एक पहले वैज्ञानिक उभर कर सामने आए, जिनका नाम है जॉन डाल्टन। 1808 में, एनसीईआरटी बोलती है 1808, कोई कोई सी बुक देखेंगे तो उसमें कहीं कहीं 1809 लिखा रहता है, कहीं कहीं 1803 भी लिखा रहता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, वैसे तो कम ही चांस है कि आएगा, ठीक है। हाँ, ये आ सकता है जॉन डाल्टन, सबसे पहले एटम को किसने डिफाइन किया था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में पहले जो वैज्ञानिक थे ना, जॉन डाल्टन, उन्होंने परमाणु से संबंधित जो नियम दिए उसे हम कहते हैं जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत।
अब हम देखते हैं कि जॉन डाल्टन अपने सिद्धांत में एटम के बारे में क्या बताए। तो उन्होंने कहा कि द मैटर वाज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। देखिए मैटर मतलब क्या होता है, पदार्थ। वाज द मेड अप ऑफ द वेरी स्मॉल इंडिविजुअल, उन्होंने बताया कि जो मैटर होता है, वेरी मतलब क्या होता है, बहुत सूक्ष्म यानी अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। कौन बताइए? मैटर। जो मैटर होता है अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं। अर्थात जॉन डाल्टन का भी मानना था कि जो एटम्स होता है किसी भी मैटर का क्या है, मूल संरचनात्मक इकाई है या पार्ट है। ठीक है ना, इनका भी कॉन्सेप्ट क्या है, एक वैज्ञानिक रीजन, साइंटिफिक रीजन पे नहीं था। ठीक है ना, तो देखिएगा उसके बाद मॉडर्न एक्सपेरिमेंट के द्वारा अभी तक यहाँ तक पता नहीं चल पाया कि आपको कि एटम को तोड़ा जा सकता है कि नहीं। केवल आपको इतना पता चला कि जो एटम है ना, किसी भी द्रव्य का छोटे से छोटा क्या है, कण है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए मॉडर्न एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जैसे देखिए जे जे थॉमसन, प्रोनाउंस आप थॉमसन भी यूज कर सकते हैं, जे जे थॉमसन 1897, अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1913, सर जेम्स चैडविक 1932। मॉडर्न एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया कि जो एटम्स होता है तीन प्रकार के मौलिक कण या मूल कणों से मिलकर बनता है या बना है। ठीक है, कौन बोल रहा है, मॉडर्न में बोल रही है थियरी। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, जे जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और सर जेम्स चैडविक ने बताया कि एन एटम वाज मेड अप ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, अर्थात जिसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं। कहने का मतलब कि जो एटम होता है ना, तीन प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना है, अर्थात एटम को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट टाइम एटम वाज कंसीडर, पहले के समय में यह माना जाता था कि जो एटम है उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, अर्थात यहीं पे मैं लिखा हूँ इंडिविजुअल, और आगे सामने आप पर आपको मैं बताया भी। तो फर्स्ट टाइम में यह सुनिश्चित किया गया था, यह विचार था कि इंडिविजुअल है, अनकटेबल, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन मॉडर्न एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया, बाय देयर एक्सपेरिमेंट, मॉडर्न एक्सपेरिमेंट, द एटम्स आर डिविजुअल पार्टिकल्स। क्या है एटम, क्या है एटम, को तोड़ा जा सकता है, कटेबल है, काटा जा सकता है। तभी तो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता चला, पॉजिट्रॉन पता चला, मेसान पता चला, न्यूट्रिनो पता चला। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, केवल एक बार आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिएगा, तो मॉडर्न में जो डिफिनीशन आई एटम का, वो यह आया कि द स्मॉल पार्टिकल्स आयन एलिमेंट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एटम्स। किसी भी तत्व का, देखिए सेंटेंस के माध्यम से आप देख लीजिए मैं क्या दिखाऊं, द स्मॉल पार्टिकल्स आयन एलिमेंट दैट पार्टिसिपेट, किसी भी तत्व का छोटे से छोटा कण या अति सूक्ष्म, या हम बोल सकते हैं अति सूक्ष्म कण, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ पे देखिए CR लिखा हूँ, जानवर वाला नहीं, शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ CR, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा पार्टिकल्स जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, इट कैन नॉट बी फ्री स्टेट, इट इज कॉल्ड या दैट इज कॉल्ड या इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। तो यहाँ तक हिस्ट्री थी। ठीक है, अब हम सिस्टमेटिक देखेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स कि जो एटम टूट रहा है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से शुरुआत है इसका, यहीं से हिस्ट्री ही है। ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको डायरेक्ट यहीं से पढ़ना है या बिल्कुल जीरो से पढ़ना है। ठीक है,
तो देखिएगा, तो यहाँ तक हमको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और नोट्स की बात हुई तो इसे भी क्लियर दिख रहा है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा। तो साथियों आगे देखेंगे हम शेप ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो एटम का जो शेप होता है स्फेरिकली होता है। कैसा होता है? स्फेरिकली होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। द शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकली। अभी तक जो एज्यूम किया गया है कि एटम का शेप कैसा होता है तो गोलाकार होता है। जिस प्रकार से पृथ्वी के अर्थ पर यानी पृथ्वी के सरफेस पर हम लोग जो हैं विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अभी वर्क करेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कहाँ पर? एटम में, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको ये समझना है कि एटम का शेप कैसा होता है। स्फेरिकली होता है, गोलाकार होता है, जिसके केंद्रीय भाग में सेंट्रल पार्ट में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस की जो साइज होती है 10^-15 मीटर के इक्वल होती है। यही एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। जब मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं आपको ये क्वेश्चंस में पूछूंगा दूंगा, ठीक है। अब देखिए 15 मीटर ना पूछ करके इसको सेंटीमीटर में भी पूछ सकता है, क्योंकि तो 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 पावर कम हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ओआर 10^-13 सेंटीमीटर्स। अब देखिए 10^-15 मीटर इज इक्वल टू किसके होता है? 1 फर्मी के बराबर होता है, यानी 1 फर्मी भी लिखा जा सकता है। तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपका जो डिफिनीशन ये नहीं पूछा जाएगा, आपका सीधा सीधा पूछा जाएगा कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद देखिएगा, अब देखिए एटम है, एटम का भी तो कोई ना कोई यानी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। तो एटम की जो त्रिज्या होती है, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई जिसे बोलते हैं परमाणु त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या होती है 10^-10 मीटर होती है। सिमिलरली दिस टाइप, ठीक इसी प्रकार से इसे भी हम 10^-8 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, या 10^-10 मीटर इज इक्वल टू किसके होता है? 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तैयार करिएगा कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10^-10 मीटर के बराबर होती है अर्थात 1 एंगस्ट्रॉम होती है, या 10^-8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, जब आप एटम के बारे में स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे थे तो अभी आपको बताया गया कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन मॉडर्न में सिद्ध हो गया कि एटम को तोड़ा जा सकता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, अर्थात 3 प्रकार के मौलिक कणों यानी मूल कणों से मिलकर बने हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो देखिएगा, वही फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात मैं कर रहा हूँ, हिंदी में बोलते हैं मौलिक कण या मूल कण। तो मौलिक कण आर आर 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। लेकिन इसके पहले एक बार फिर मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि फंडामेंटल पार्टिकल्स किसे कहते हैं। एन एटम हैव कंपोज्ड ऑफ मेन 3, मैंने फिर बोला कि जो एटम होते हैं 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बनते हैं, जिसके द्वारा हम एटम को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। विच इज परफेक्टली डिफाइंड टू एन एटम्स आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। स्टेबल के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इन 3ों में सबसे पहले किसकी खोज हुई, ठीक है, यानी यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट पार्टिकल्स, सबसे हल्का कण, ठीक है। तो देखिएगा, वैसे तो सन याद होगा, ठीक है, शताब्दी, यानी सन याद होगा तो आप तो बता ही सकते हैं। सन याद नहीं होगा तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि ये घर के अंदर होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? मध्य में होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो सबसे पहले अगर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो सबसे पहले कौन मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉन ना। इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले हुई थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई थी, 1897, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन की खोज 1919 में हुई थी, 1909
1919 में। देखिए न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी, 1932 में हुई थी। उसके बाद अनस्टेबल के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें पॉलिटेक्निक में पूछा गया था, किसमें कब पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था कि मेसान की खोज किसने किया था। ठीक है, तो अनस्टेबल के अंतर्गत पॉजिट्रॉन, मेसान और न्यूट्रिनो आता है, और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एंडरसन के द्वारा। मेसान की खोज युकावा के द्वारा किया गया था 1935 में। उसके बाद न्यूट्रिनो, देखिए न्यूट्रॉन अलग होता है, न्यूट्रिनो अलग होता है, इसी खोज पाउली ने किया था 1930 में किया गया था। तो यह रहा शेप ऑफ एटम्स। ओके, अभी तक हमें उम्मीद होगी कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी तक आप जानते हैं कि ईटा पर नाचे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो देखते हैं मैं आपको बताता हूँ, चलिए यहीं पर बताता हूँ आपको। जिससे लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? कलम बोलते हैं, या कलम को अंग्रेजी में पेन बोलते हैं, तो अंग्रेजी वाला याद करिएगा। कलम को अंग्रेजी में हम PEN, पेन बोलते हैं, पेन बराबर GTC बराबर RTC। अब देखिए यही ट्रिक आपको याद रखना है, P से होगा प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किए थे किसने, G से होगा गोल्ड स्टीन 1886। ठीक है, लेकिन इसी प्रोटॉन की खोज अल्फा किरणों के बम्बार्डमेंट से बौछार करा करके, इंसिडेंट करा करके अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, बाकी सब सेम होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन बोले या थॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज सर जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, और देखिए वही चीज़ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, न्यूट्रॉन की खोज सर जेम्स चैडविक। ठीक है, तो ये आपका न्यू ट्रिक है, और वो भी जान सकते हैं जो पुराना वाला है, ईटा पर नाच या नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन, टो से थॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। ठीक है, तो जो सूटेबल लगे आपको वो कॉन्सेप्ट आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए सेल जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स आर अराउंड इन सेल दैट सराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो क्या करता है? घूमता है अराउंड, यानी जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे आप सेल कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो इस वजह से उसकी साइज भी क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। और इसके बाद जो सेल होता है, कंसिस्ट ऑफ जो सेल होता है, वन या मोर सब सेल से मिलकर बनता है। सेल का निर्माण किससे होता है, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सब सेल से होता है, और सब सेल का निर्माण जो होता है वन और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल से होता है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। डैट इज जिसको हम KLMN से दिखाते हैं, इसको के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। ठीक है, और इसी को हम सब सेल के फॉर्म में दिखाते हैं, तो उससे बोलते हैं एस, पी, डी और एफ से दिखाते हैं। और फुल फॉर्म देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एस पी डी एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि एस पी डी एफ का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यस का जो फुल फॉर्म होता है शार्प होता है, क्या होता है? शार्प। पी का होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। डी का होता है डिफ्यूज, अभी मैं बता रहा हूँ इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ आपको, डिफ्यूज। एफ से होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल पार्टिकल्स, चलिए पार्टिकल्स। देखिएगा शार्प का मतलब तेज, एक्साइटेड स्टेट, चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन फैले रहते हैं। ठीक है, जो उसके बाद मतलब फैले नहीं रहते हैं, शार्प का मतलब तेज होता है, एक्साइटेड स्टेट में। पी का मतलब प्रिंसिपल, मतलब मुख्य होता है, 1 2 3 4 5 जिसको आप दिखाते हैं कि वह के बराबर 1 सेल, एल बराबर ए सेल। ठीक है, एन बराबर 1 2 3 दिखाते हैं ना, जब क्वांटम नंबर में डिफाइन करूँगा तो और बेटर तरीके से डिफाइन करूँगा, क्योंकि क्वांटम नंबर यही रिप्रेजेंट कराती है इन सभी प्रोसेस को। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पी का प्रिंसिपल मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, डी का मतलब डिफ्यूज, जो इलेक्ट्रॉन फैले रहते हैं उसी की बात बोला जा रहा है, एफ का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब तीन, कितने कण हैं? 3।
फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेबल होता है, एक अनस्टेबल होता है। तो यहाँ तक हमारा पहला लेक्चर था। सेकेंड में मैं ऑर्बिटल से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, और आगे जो जो टॉपिक भी आएंगे, जैसे ऑर्बिटल्स हो गए और ड्यूअल नेचर हो गया, हाइजेनबर्ग हो गया ऑफ बाउ रूल हो गया, उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम हम तीन लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के टॉपिक को समाप्त कर लूँगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज लॉन्च करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।